एक्शन, काली रात का काला जहर, ले पी ले। ऐसा मीठा प्यारा जहर तो केवल मेरी दादी बना सकती है, और कोई नहीं। दादी, मैं सोच रहा था कि अगर आप नहीं होंगी तो मेरा क्या होगा। अच्छा चलो, दादी की कोई कीमत तो है, वरना कौन फिर हमें पूछता है। दादी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मैं समझा नहीं। अपना अंतिम साल तुम्हारी दादी बनारस में मोक्ष पाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना मोह हो गया कि अब मरने का प्रोग्राम तो कैंसिल। दादी प्लीज, ये मरने वरने की बातें मत किया करो। वैसे तो ठीक कह रहा है, यहाँ सब मेरी तारीफ बहुत करते हैं कि मेरी उम्र का पता नहीं लगता, मेरी स्किन मलाई जैसी सॉफ्ट है। अच्छा तो फिर आपकी इस मलाई जैसी स्किन का राज क्या है? ये सब तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। लेकिन बेटा, हम आज हैं कल नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब दगा दे जाए, इसीलिए हमारे बाद तुम्हें कोई ना कोई साथी तो चाहिए ही चाहिए। और बेटा वैसे भी तुम 30 साल के हो गए हो, कब तक अकेले रहोगे? मरने से पहले एक बार मुझे परदादी तो बना दो, है ना? अच्छा दादी की नकल करने लगा है, सब जानता है लेकिन फिर भी मुझे बुलवाता है। खैर मैं भी तुम्हारी दादी हूँ, शादी करवाए बिना दम नहीं तोड़ने वाली। आप कहीं नहीं जाने वाली वैसे भी, और आप जैसे शैतान लोगों की जरूरत ऊपर वाले को भी नहीं है जो छुप छुप के मिठाई खाया कर। एनीवे दादी, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, आप और मैं हैं, खूब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, मुझे शादी वादी नहीं करनी। नहीं दादा, तेरी दादा तो आप ही रहेगी, और इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा बाबा, दादी एक काम करिए, अब जाइए प्लीज और सो जाइए, मुझे बहुत सारा काम करना है। और वैसे भी जाइए प्लीज, सो जाइए, नहीं तो आपकी ये मलाई जैसी स्किन है ना, उसमें झुर्रियां आ जाएंगी। बदमाश है का। गुड नाइट।